अल्लाम दोस्तों, मेरे साथ क्रिएशन मैं शोरूम पे बैठा हूँ, एम बिल पे आर सिक्स खड़ी है। वजाद भाई जी, क्या हाल है वजाद? अल्लाह का शुक्र है। हम आज एक्सपीरियंस लेते हैं इसका, आर सिक्स का, आर सिक्स से 12-15 के। अरे बुदा यार, बुदा बुदा है, कितने से बाइक पे आते कितने तेरे बैठ के देगा। एक वाली है उसके, वो पीपीएफ उसका उतर रहा है, मोटर मोटर पे उतरे तो फिर लेके जाएंगे उसको। चेक करा दिया था उससे, सबसे चेक करा लिया, कौन है वो उबैद भाई से भी चेक करा लिया, बॉडी भी चेक करा ली, पूरी जेन्युइन गाड़ी है। और ये शादे भाई आ गए भाई, हमारी मर्जी चेक करा रहा थे, और कोई काम नहीं तो भाई हमारा काम है। अच्छा अच्छा है, चले कौन सी होटल है? ये हमारी होटल है, मैरिट होटल है ये, फाइव पीसी है, पीसी। आई लव हैदराबाद। चाय पीने आए यहाँ पे, एक्सपीरियंस दो थोड़ा भाई। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाइक का एक्सपीरियंस? बाइक का भी चला रही है, अभी एक महीना हुआ है इसको लिए मेरा। अच्छा, हो जाएगा। आपने लेके दिया? आप इसे बोल रहे भाई, मैंने ये साथ चल रहे थे, मैं ऐसे काम ही नहीं करता। मैं जाम छोड़ आया हूँ, समी भाई मेरे साथ है। क्या हाल है समी भाई? कुछ कह यार, मजे? थोड़ा तेज बोलना, था हवा लग रही ज्यादा। अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जिम आपकी सही चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। पिज्जा आपका सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हंस रहे क्यों पिज्जा पे? ऐसे ही। अच्छा, कोई बात याद आ गई होगी। अभी जुल्फकार पे बैठे हुए है और चाय पी रहे हैं, ऐसे ही ना? चाय अच्छी होती है? अच्छी होती है, सफेद होती है, अच्छी होती है, अच्छी होती है, पीने में अच्छी होती है, अच्छी होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई एक्वा ली है ना, वो आपको दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ हैदराबाद की वन ऑफ द बेस्ट एक्वा होगी, ब्लैक कलर में, कल आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। और कुछ कहेंगे सर? वो क्या कहेंगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ कहेंगे? हाँ भाई, मुझसे पूछ रहे उल्टा, स्मार्ट हो गए, जिम कर रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तो जिम में मुफ्त में। लेकिन मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा भाई। अच्छा, सही है सही है, अच्छी बात है। BRV वर्सेस फ्रीड कंपैरिजन करेंगे भाई, इनके पास BRV है, किसकी वो हम कंपेयर करें इंशाल्लाह। ओके, समी भाई जिम पे आए फिट नेशन पे, और समी भाई कुछ बताएंगे, क्या बता रहे हो? एडमिशन में भी डिस्काउंट मिलेगा, मंथली में भी डिस्काउंट मिलेगा, एडमिशन में 50% मंथली में 20% दे दो, डिस्काउंट के जो पैसे दे दो, डिस्काउंट के पैसे आपको नहीं देना। आप दिखा के प्रमोशन करा रहे हो मुझसे, प्रमोशन करा रहे हो फ्री में प्रमोशन, सही? ओके भाई, एक्वा तो आपको मैं कल दिखाता हूँ। एक्वा में लेट इसलिए हुआ कि 3M पे जो मैं बोल रहा था ना, PPF उतर रहा है, PPF हुआ हुआ था तकरीबन 1.5-2 लाख का PPF चढ़ा हुआ था, जब गाड़ी पोर्ट से आई थी सीधा PPF हुई थी, फिर मालिक ने चलाई थी, फिर अब उसको बेची, तो हमने इसका PPF उतारा है। क्योंकि जब हम बॉडी चेक कराने जा रहे थे मुकीम भाई के पास, दूसरा एक भाई उनके पास, तीसरा एक भाई उनके पास, तो सब ने बोला भाई PPF है तो हम इसको चेक नहीं कर सकते, PPF उतार के हम चेक करेंगे। उसकी वजह ये है कि गाड़ी टचअप बता रही थी PPF जा रहे, वो पन्नी चढ़ी होती है जैसे मोबाइल के ऊपर प्रोटेक्टर होता है ना, ये चीज़ होती है पूरी PPF उतर, जब उतर रहा था ना, मैं गलती की आपको दिखा था कि पूरे पीसों में से उतर रहा था, गाड़ी बिल्कुल अंदर से जेन्युइन निकली माशाल्लाह, वर्क इन प्रोसेस था, पता नहीं है कि अभी कल शायद वो टचअप हो नहीं हो, वो हम कल ही देखेंगे। सुबह इंशाल्लाह मैं जाऊँगा शोरूम, तो बराबर में ही मोटर मोटे पे रहमान भाई उनके पास उतर हैं, तो वो ये बताने का मकसद ये कि मतलब PPF वाली कार को हम छोड़ रहे थे, पर जो अगला जो बंदा है ना जा रहे, उसने खुद कराई थी तो उसको कॉन्फिडेंट था, उसने बोला नहीं आप भले, मैं आपको ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप भले उतारो उसको, ठीक है, आप भले सौदा करो, अगर उसमें उतारने के बाद अंदर टचअप है तो मेरी हुई, नहीं हुई तो आप ले लो, ऑप्शन सीट तो है गाड़ी के ऊपर, ऑप्शन सीट होती है 3 महीने तक, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है ऑप्शन होने के बाद जापान में, ये उसमें लिखा हुआ है क्लियर, लोग समझते नहीं, ऑप्शन सीट 10-10 साल के बाद भी लोग दिखाते हैं कि भाई ऑप्शन सीट देखो, भले पाकिस्तान में 10 दफ़ा ठुकी है गाड़ी बनी है, ऑप्शन सीट फिर भी दिखाते हैं,
तो ये सीन है। और इसके दो वजह ये कि एक तो ये कि ज़ाहिर पेंटरों को पता नहीं चल रहा, दूसरी इसकी ये भी है कि भाई लोगों ने पीपीएफ को खुद खुआर किया है, खुद ख़राब किया है। कैसे? गाड़ी ख़राब हुई, अब यार लकी रह गई, इसको क्या करें भाई, कलम टचअप कराया और या पुरुष टचअप कराया, उसके ऊपर पीपीएफ करा दिया, सारे फसलें ख़त्म। इसलिए फिर लोग डरते भी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी, एक दफ़ा हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। हमने ली नहीं गाड़ी, वो हमने टोकिंग कराया, हमने बोला भाई हम चेक कराएंगे पीपीएफ उतार के, पीपीएफ उतारा तो अंदर से कलर हुई हुई थी गाड़ी, वैसे पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए भी ये डाउट होता है, दोनों साइड जा रहे, दोनों बातें देखी जाएंगी ना, यहाँ की भी देखी जाएंगी, वहाँ की भी देखी जाएगी। तो मैंने कहा ये आपको मैं क्लियर बात बता दूँ कि पीपीएफ हमने इसलिए उतारा, वरना लोग सोचेंगे कि यार बेवकूफ़ पता नहीं क्या है, इतना महंगा पीपीएफ है वो आप उतार रहे। होता भी बड़ी मुश्किल से, सारी चीज़ें खुलती हैं, इसकी शायद लाइटें नहीं खुली, बाकी सारे मोनोग्राम वगैरह सब खुल के फिर हुआ था। अच्छी चीज़ें गाड़ी के लिए, पर बेचोगे तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में उल्टा ही सारा सिस्टम है, उल्टा क्या सिस्टम ही नहीं है। थैंक यू समीर भाई, आपने वीडियो बनाई, थैंक यू सो मच। कुछ कहेंगे पीपीएफ के बारे में? अच्छी बात है, लेकिन यह है कि उसका फुल फॉर्म पता है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। एंड करे शनि, एंड करे, खत्म, बाय बाय, टाटा। देख सकते हैं शीशा, एक भी लकीर नहीं है गाड़ी में। पीपीएफ सारा उतर गया इसका, गाड़ी देख मिरर जैसे हो रही है, मिरर। तो बोलते हैं ब्रांड न्यू कंडीशन ला के गाड़ी, कहीं से भी कोई लकीर, कोई डेंट, कुछ भी नहीं। ऐसे चाबी वाली शोरूम पे भी आया हूँ, 2:30 बज रहे हैं, मुल्ला बैठा हुआ है रेमान, टिनिन टिनिन, क्या हाल है? तब खैर भाई, कोई फ्रेश ले रहा हो 70-80 लाख की गाड़ी, उसको हम ये दे सकते हैं फ्रेश बोल? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। और मजे की बात ये कि ब्लैक कलर की गाड़ी, मतलब सब चीज़ों को उठा के ब्लैक कलर में इतनी साफ गाड़ी, एक लकीर नहीं माशाल्लाह गाड़ी पे, ज़ाहिर पीपीएफ हुआ हुआ था, वो कपड़ा भी नहीं लगा था शुरू से, इन्होंने और भी पॉलिश वॉलिश कर दी, ज़ाहिर वो केमिकल होता है पता नहीं क्या होता है, उनको ही पता है। एक शाइनेक्स वाला है यहाँ पे, शाइनेक्स रिटेलिंग स्टूडियो, और ये पीपीएफ करते थे वाले, और इसलिए यहाँ से मैं उतरा, वरना पेंटर से भी मैं उतरवा देता, पर मैंने कहा नहीं रिस्क है पर गाड़ी की, और ये शोरूम के बराबर में ही है, तो हम जैसे यहाँ बैठे हुए एक मिनट भी नहीं लगता रहा कि गाड़ी देखने की क्या हो रहा है, गाड़ी माशाल्लाह तैयार होगी, सिर्फ एम्बलम वगैरह लगेंगे उसको मैं बता रहा था। तो उसके बाद शोरूम पर खड़ी होगी या नीचे इधर ऑटो बांध पे रुकनू भाई का घर है, वहीं खड़ी करेंगे, चलाएंगे नहीं इसको, ये बिल्कुल है बिल्कुल। बाकी आपको देखने तो आप शोरूम पर आओ, आपको मैं दिखाऊँगा, इसकी जो है ना 55-50 डिमांड है। क्या देख रहा है, फजूल की चीज़ें, यानी टाइम पास कर रहे हैं कारों। और एक और गाड़ी ली है, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, उसका नमीर भाई को पता है वो क्या, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी खड़ी है, बस यही खड़ी है। सिटी किसकी है? सिटी केड़ी अंदर जो बैठी है वाइट खड़ी है, जो यार वो सुल्तान भाई वाली है गाड़ी जो बेचने की, मुझे दो के 7,000 गाड़ी देखते हैं यार। अभी तो काम चल रहा है इसका, दादे भाई आए हैं अभी उठ के, 3 बज रहे हैं, इनकी सुबह हुई है अभी, शाहू भाई बैठे हैं, उस्मान बैठा हुआ है, शादे भाई कैसे हैं, ठीक है, मजे में, चलो पैसे देख लो, खोलो एड खोलो। अच्छा बात सुन शादे, ये एक बार जो ब्लैक वाली ली है अपन ने, शादे भाई से हम पूछते हैं, मुल्ले से तो हमने पूछ लिया, शादे भाई से पूछते हैं, शादे भाई कोई 70-80 लाख की फ्रेश एक ले रहा हो, उसके बाद रेंज का अगर मसला और हो, ये गाड़ी ले सकता है ना पुरानी, ये अपने पास है, नई गाड़ी है, फ्रेश है ना, शाबाश। ये जो हस्ती है ना तुम्हारी, ये सही नहीं है तुम्हारी, ऐसी यार एक गाड़ी देखी थी और वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग की नहीं, और अभी घर आ गया हूँ, 10 बज रहे हैं, अभी जाऊँगा फ्रेश होके फिर अखिल भाई के पास जाऊँगा, ज़ाहिर है रात को मैं वहाँ बैठता हूँ, कावा वगैरह पियेंगे अखिल भाई के पास। तो ये था ब्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार ये डेली ब्लॉगिंग मेरी पसंद करने के लिए। और एक्वा जो है वो 55.5 लाख रुपये इसकी डिमांड है,
और अगर आपको विजिट करनी है तो शोरूम पे आप विजिट कर सकते हैं, शोरूम पे ही खड़ी करेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी माशाल्लाह ऐसी हो गई थी 0 मीटर बिल्कुल, अभी इन्होंने एम्बलम वगैरह सारे लगा दिए थे, सारी गाड़ी कंप्लीट कर दी थी। कल वाले ब्लॉग में बकाया आपको जो है ना दिखाऊंगा, सारी दिखा दी थी तकरीबन, बकाया दिखाऊंगा। और कोई गाड़ी मिली नहीं, ढूंढ रहे हैं, गाड़ी मिली नहीं। शुक्रिया।